राजा राजा प्लीज नीचे जाओ प्लीज नीचे नीचे आलिया को लेके आओ ना फिर प्लीज अभी आलिया को भेज दीजिए हमारे साथ अगर ये नहीं गई ना तो हमें नहीं पता वो क्या कर लेगा खुद के साथ राजा प्लीज नीचे जाओ प्लीज नीचे नीचे आलिया को लेके आओ ना फिर प्लीज अभी आलिया को भेज दीजिए हमारे साथ अगर ये नहीं गई ना तो हमें नहीं पता वो क्या कर लेगा खुद के साथ आलिया ने राजा को फंसाया अपने जाल में राजा ने भरी आलिया की मांग तो भाई उदारिया के एपिसोड में हम देख रहे हैं कि कुछ अलग ही ट्विस्ट आया है यहाँ पर आलिया फिर आ जाती है अरमान और आसमा की जिंदगी में हमने देखा था भाई आलिया अपने आप को हवाले कर देती है पुलिस के और यहाँ पर कबूल कर लेती है कि मैंने ही मारा था कबीर को और पूरी कहानी बता देती है कि मैंने किस तरीके से कबीर को मारा था और यहाँ पर आसमा का बहाना लेकर कि भाई मैं को लग रहा था कि आसमा को वो चोट पहुंचाने वाला है कबीर और यहाँ पर अरमान के पीछे पड़ गया था तो मैंने सिर्फ उन दोनों की जान बचाने के लिए उसको मार दिया लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ अलग होती है वो आसमा को फंसाने के लिए ये सब करती है क्योंकि वो चाहती थी कि आसमा जेल चली जाए और वो अरमान की जिंदगी में दोबारा आ जाए लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो जाता है यहाँ पर जो जॉर्डन होता है वो सारे सबूत दे देता है आसमा को तो गेम ही पलट जाता है और यहाँ पर अरमान को पुलिस ले जाती है क्योंकि अरमान बोल देता है कि भाई मैंने खून किया है तो उसको लगता है कि अब तो वो जेल चला जाएगा तो अरमान को बचाने के लिए वो सारा कबूल लेती है और फिर एकम यहाँ पर आसमा को समझा रहा है कि तुम एक काम कर सकती हो कल हियरिंग है आलिया की और अगर तुम ये बोल दो कि मुझे कुछ नहीं पता है और तुम ये और तुम कोई भी सबूत वगैरह नहीं दो तो शायद हो सकता है उसकी सजा कम हो जाए या उसकी सजा भी माफ हो जाए तो अब देखते हैं कि आसमा का क्या होगा रिएक्शन और आसमा क्या बोलेगी कोर्ट में और फिर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं भाई जो राजा है अरमान का छोटा भाई वो थोड़ा मेंटल डिसेबल है लेकिन यहाँ पर जो आसमा है वो पूरा साथ देती है और एक ना उसको स्कूल में जो छोटे बच्चों का मतलब जो थोड़े से जिनका दिमाग कम होता है वो स्कूल में ना उसको एडमिट करा देते हैं और यहाँ पर वो थोड़ा सा सीख रहा है बहुत सारी चीजें सीख रहा है थोड़ा सा इंप्रूव भी हो रहा है लेकिन भाई जो आलिया है वो आ जाती है उसकी जिंदगी में और हम देखेंगे कि जो आलिया है वो कर लेती है राजा से शादी किस तरीके से वो फंसाएगी राजा को वो तो हम एपिसोड में देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में लेकिन यहाँ पर हम जो प्रोमो देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि सारे घर वाले खड़े हैं अरमान खड़ा है आसमा खड़ी है सारे लोग हैं और यहाँ पर जो राजा है वो आलिया की मांग भर रहा है मतलब भाई हमने देखा था ना कि जब वो छोड़ने आती है आसमा उसको स्कूल में तो वो देखती है कि कोई लड़की है जो उससे हाथ मिला रही है और वो सोचती भी है कि भाई ये कौन लड़की है जो उससे हाथ मिला रही है और भाई वो कोई नहीं थी वो आलिया थी लेकिन वो सबसे छुप रही थी और सबको चकमा देकर ना वो राजा को फंसा रही थी क्योंकि अरमान तो उसको मिला नहीं तो अब भाई वो उसने उसको फंसा लिया है और यहाँ पर वो बन के आ जाएगी आसमा की भाभी तो अब देखते हैं आलिया और क्या नाटक करेगी क्योंकि भाई जब वो राजा की वाइफ बन के आ जाएगी घर पर अरमान और आसमा की तो क्या कुछ होगा क्योंकि यहाँ पर ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि आलिया इस तरह का कोई स्टेप उठाएगी वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे ना वो पहले वाली स्टोरी याद आ जाती है इसका एपिसोड जो था जिसमें फतेह और तेजू की भी यही सेम स्टोरी थी कि फतेह का जो छोटा भाई होता है अमरीक क्योंकि जैस्मिन की शादी नहीं हो पाती फतेह से तो वही वो अमरीक से शादी कर लेती है और यहाँ पर भी वही सेम स्टोरी शायद रिपीट हो रही है कि किस तरीके से तेजो और फतेह और आसमा और अरमान और जैस्मीन और अमरीक और राजा और आलिया तो वही सेम ऐसा लग रहा है कि स्टोरी रिपीट हो रही है तो आप देखते हैं कि भाई क्या होता है एपिसोड में वैसे आप में बताइए आपको उदारिया का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि भाई आलिया और राजा के आने से अब क्या होगा।